प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। जम्मू कश्मीर के सभी नेता होंगे शामिल। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और LOC हाई अलर्ट पर। मध्य प्रदेश में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत। 3 अन्य राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 43 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ा। CM हाउस में देर रात तक चली बैठक। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई अहम बातचीत। शिवराज कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के कारण नुकसान झेलने वाले सरकारी बैंकों को 9041 करोड़ की संपत्ति करी ट्रांसफर। कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ कर रहे तस्कर को किया ढेर। तस्कर के पास बरामद हुई 27 किलो हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 135 करोड़। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस ने काला सागर में रूसी क्षेत्र में घुसे ब्रिटिश जहाज पर की फायरिंग। UK के रक्षा मंत्रालय ने किया ऐसी किसी भी घटना से इनकार। पत्रकार जमाल खगोशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। हत्या के आरोपी 4 लोगों को मिली थी अमेरिका में पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा। ICC द्वारा आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को दी 8 विकेट से मात। भारत की दूसरी पारी 170 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम ने मात्र 2 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल। 7 विकेट लेने वाले काइल जेमिसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। वहीं 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान IOC ने लगाए कड़े प्रतिबंध। दर्शकों को चीयर करने और खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेने पर लगा बैन। शराब भी रहेगी पूर्णतः प्रतिबंधित, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। वहीं हॉलीवुड फिल्म किल बिल के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी कृति सेनन। अनुराग कश्यप करेंगे फिल्म का निर्देशन। फिल्म के 2022 के अंत तक रिलीज होने का अनुमान।